दुष्टता का फल। कंचनपुर के एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा जो है वो उधर से आ निकला। वहा मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोघर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसा घुसू ये सोचकर वो परेशान था। तभी उसकी नजर वो कबूतरों के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने के लिए बाहर निकलता है तो कौवा उसके साथ साथ निकलता है। थोड़ी देर बाद कबूतर ने पीछे मुड़कर देखता तो देखा कि कौवा उसके पीछे है। इस पर कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर कौवे से कबूतर ने कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं, हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग है, मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास घर नहीं है इसलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं और साथ ही भोजन खोजने आया करेंगे, तुम अपना और मैं अपना। घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी है तो उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसलिए उसने उस बारे में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहता है तो कौवे ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को यह कहते हुए सुना था नौकर को कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं इसलिए तुम मछली बना लेना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था कि उसके जाते ही कौवे ने थाली और झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो कौवे को मछली खाते देख गुस्से से भर गया और उसने कौवे को पकड़कर गर्दन मरोड़कर मार डाला। जब शाम में कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात समझ गया। इसलिए कहा गया है, दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है।